एक तरफ जहां रूसी सेना यूक्रेन में युद्ध लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देशों में खलबली मची हुई है। रूस अब सैटर्न 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इस परीक्षण के बाद रूस इस हाइपरसोनिक मिसाइल को परमाणु मिसाइलों के जत्थे में तैनात कर देगा। ये मिसाइल पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि रूस की सैटर्न 2 मिसाइल अमेरिका तक पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल 14 मंजिल ऊंची है और इसकी रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं है और इसका वजन 208 टन है। इस मिसाइल को RS-28 सारमेट के नाम से भी जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना इस मिसाइल को युद्ध ड्यूटी के लिए अगले महीने तैनात कर सकती है। इस मिसाइल की ताकत को लेकर कुछ जानकार सवाल जरूर उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मिसाइल को लेकर अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने इस मिसाइल के परीक्षण पर निगरानी रखने के लिए अपना एक जासूसी विमान भी तैनात कर दिया है। हालांकि रूस ने अप्रैल 2022 में सैटर्न 2 मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद से अभी तक इसके परीक्षण का काम पूरा नहीं हो सका है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पुतिन इस मिसाइल के परीक्षण में कामयाब होते हैं तो पश्चिमी देशों को इससे क्या खतरा होगा। तो आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में इस मिसाइल को सैटर्न 2 के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को रूस की सबसे दुर्जेय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है, जिसमें अंतर महाद्वीपीय दूरी तक पहुंचने की क्षमता है। ये थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस एक भारी भरकम डिजाइन वाली मिसाइल है। रूस के मुताबिक ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 200 टन से ज्यादा वजन के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल में 178 टन ईंधन भरा जा सकता है। इस मिसाइल की कुल लंबाई 35.5 मीटर है। रूस ने पहली बार इस मिसाइल को 2018 में दुनिया के सामने पेश किया था। रूस का यह भी दावा है कि ये दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सारमेट मिसाइल 15 हल्के परमाणु हथियार ले जा सकती है। यही वजह है कि ये एक बार में कई टारगेट के ऊपर हमला कर सकती है। बताया जाता है कि सारमेट मिसाइल सोवियत जमाने की मिसाइल है। R-36M2 वोयवोडा के बदले ये लाई गई थी, जिसे 1962 में विकसित किया गया था। उस वक्त वो मिसाइल 3 हथियारों को अपने साथ ले जा सकती थी। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने अपनी एक रिपोर्ट में सारमेट मिसाइल के परीक्षण को लेकर जानकारी दी है। टास का कहना है कि सारमेट मिसाइल के इस परीक्षण के बाद और ज्यादा सफल परीक्षण की जरूरत होगी। इसके लिए कई और लॉन्चर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें दक्षिणी ध्रुव से परीक्षण होगा। आपको बता दें कि रूस अगर दक्षिणी ध्रुव से परमाणु बमों को ले जाने वाली सारमेट मिसाइल का परीक्षण करता है तो पश्चिमी देशों के लिए गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है, क्योंकि रूस ने इस मिसाइल को डिजाइन ही इस तरह से कराया है जिससे नेटो देशों के खिलाफ इसका एक मजबूत परमाणु हमले के लिए प्रयोग किया जा सके।